राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार पाए जाने की जांच के सिलसिले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को रविवार को एक अदालत में पेश किया। अदालत ने वाजे को 25 मार्च तक के लिए NIA की हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को एक वाहन में विस्फोटक पदार्थ मिला था। यह वाहन हिरेन का था। थाने में हिरेन का शव मिलने के बाद मामले में रहस्य और घर आ गया था। हिरेन की पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति ने नवंबर में वाजे को अपनी कार दी थी। उस समय मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र ATS ने इस सप्ताह की शुरुआत में वाजे का बयान दर्ज किया था। वाजे को 2004 में ख्वाजा यूनिस की कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में निलंबित भी किया गया था। 2020 में उनकी सेवाएं बहाल की गई और वह मुंबई अपराध शाखा की CIU इकाई का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अरबपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी कार खड़ी करने में कथित संलिप्तता के लिए शनिवार रात वाजे को गिरफ्तार किया था। इधर एंटीलिया केस में पुलिस अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर अब बवाल खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक शिवसेना का कहना है कि राज्य की पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए NIA ने सचिन वाजे को गिरफ्तार करके केवल महाराष्ट्र पुलिस का अपमान किया है, जबकि BJP ने शिवसेना के आरोप पर पलटवार किया है। शिवसेना का कहना है कि राज्य सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मामला ATS को सौंप दिया था, इसकी जांच जारी थी। NIA को जांच के लिए भेजकर केंद्र सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है।